दोस्तों, विजय माल्या एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है भगोड़ा। लेकिन क्या आपको पता है, जिस व्यक्ति पर आज 9000 करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप है, वो एक समय दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेसमैनों की लिस्ट में शामिल हुआ करता था। यहाँ तक कि किंगफिशर जैसे बड़े ब्रांड को चलाने वाला यह बंदा उस टाइम के सबसे अमीर लोगों में से एक था। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि 2016 में विजय माल्या को देश छोड़कर लंदन भागना पड़ा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वो सब जानेंगे जो आम लोग नहीं जानते। दोस्तों, विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या एक बड़े बिजनेसमैन थे, जिन्होंने साल 1986 में एक कंपनी के शेयर खरीदकर अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट की थी। और फिर धीरे धीरे वो इस कंपनी के शेयर खरीदते गए और कुछ ही सालों में वो इस कंपनी के डायरेक्टर बन गए। और इसके बाद कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारण 1983 में मिट्टल माल्या की मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद उनके बिजनेस का पूरा भार उनके 28 साल के बेटे विजय माल्या के कंधों पर आ गया। जिस समय विजय माल्या ने उनके बिजनेस को संभाला, उस समय उनकी कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ था और यंग विजय माल्या अपने टर्नओवर को डबल करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, वहीं विजय माल्या को ये तो समझ में आ गया था कि अगर उन्हें किसी बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है तो वो है शराब का बिजनेस। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपने बियर ब्रांड किंगफिशर को पूरे भारत में ही पॉपुलर बना दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए IPL में खुद की टीम रॉयल चैलेंजर बैंगलोर भी खरीदी थी। साथ ही उन्होंने भारत के दूरदराज क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए उन्होंने किंगफिशर का एक कैलेंडर भी निकाला। दोस्तों, अभी तक तो विजय माल्या का बिजनेस आसमान को छू रहा था, लेकिन 2005 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी बिजनेस लाइफ बिल्कुल बदल गई। दरअसल हुआ ये कि 2005 में विजय माल्या ने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए अपने बेटे के जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत कर दी और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। असल में दोस्तों, एयरलाइन ऐसा बिजनेस है जहां पैसों को पानी की तरह बहाया जाता है और विजय माल्या तो अपने कस्टमर को हवा में ही 5-स्टार होटल वाला लग्जरी एक्सपीरियंस देना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें बैंकों से बहुत बड़े बड़े लोन लेने पड़े। हालांकि अभी किंगफिशर एयरलाइन इतने प्रॉफिट में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी विजय माल्या अपने इस बिजनेस को विदेशों में भी फैलाना चाहते थे। दोस्तों, इस टाइम तक तो किंगफिशर एयरलाइंस भारत में बंद होने के कगार पे थी, लेकिन विजय माल्या को अभी भी उम्मीद थी कि उनका इंटरनेशनल ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। दरअसल विजय माल्या ने जब अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया तो दुर्भाग्य से उसी टाइम पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए और इसी वजह से उन्हें इंटरनेशनल ऑपरेशन में भी काफी लॉस का सामना करना पड़ा और इसके चलते कुछ ही सालों में किंगफिशर कंपनी पूरी तरह कर्जे में डूब गई। विजय माल्या ने अपनी इस कंपनी को डूबने से बचाने के लिए काफी कोशिशें की और वहीं दूसरी तरफ किंगफिशर के एम्प्लॉइज को 7 महीनों से सैलरी नहीं मिली थी, इसीलिए वो लोग हड़ताल पर बैठ गए और इसका परिणाम ये हुआ कि अक्टूबर 2000 में किंगफिशर एयरलाइन कंपनी पूरी तरह शटडाउन हो गई। अब तक विजय माल्या पर करीबन 9000 करोड़ का कर्जा हो चुका था और बैंकों को भी ये लगने लगा था कि अब उनके लोन के पैसे नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए कई बैंकों ने विजय माल्या के साथ मीटिंग फिक्स की, लेकिन इन मीटिंगों से कुछ खास बात नहीं बन पाई और आखिर में विजय माल्या 2016 में कई बैंकों को दिवालिया बनाकर खुद लंदन भाग गए। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया था कि विजय माल्या को बाहर जाने से रोक ले, लेकिन तब तक विजय माल्या मीटिंग का बहाना बनाकर देश छोड़कर निकल चुके थे और उनके देश छोड़ने के बाद उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड जैसे कई चार्जेस लगाए गए और आज भी देश की अलग अलग एजेंसियां ये कोशिश कर रही है कि विजय माल्या को वापस लाया जाए ताकि बैंकों को उनका पैसा वापस मिल सके। वैसे दोस्तों, बैंकों ने अपने पैसों की रिकवरी के लिए विजय माल्या की जितनी भी प्रॉपर्टी और बिजनेस इंडिया में थे वो सब बेच दिए। कहा जाता है कि बैंकों ने ये सब 80% लोन की रिकवरी कर ली है, लेकिन दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये सब बता पाना काफी मुश्किल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और विजय माल्या कभी भारत वापस आ पाएंगे या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।